हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी वी आर डिस्कसिंग क्लास इलेवेंस एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड वी आर ऑन चैप्टर फोर एक्जीक्यूटिव सो देखिए हमने ये एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट वन इज ऑलरेडी डन हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है और कितने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने एग्जाम्पल भी देखे थे अलग अलग कंट्री के इस सेशन में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया सो so, हम बेसिकली uh, सारे तो कंप्लीट कर नहीं सकते इस सेशन में तो इसलिए हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रेसिडेंट उसके पावर पोजीशंस कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के वो uh, प्रेसिडेंट का रोल प्राइम मिनिस्टर को चूज करने में ऑल्सो हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे अब आगे आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और परमानेंट एग्जीक्यूटिव ठीक है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे देश में हमारे पास थोड़ा एग्जी थोड़ा सा सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने का क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी आ चुकी थी 1919 नाइनटीन वाला एक्ट और 1935 वाला एक्ट ये आपने आई एम श्योर हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दो एक्ट थे दिस एट द बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया और ये सारे एक्सपीरियंस से हमने ये चीज़ सीखी है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसने एग्जीक्यूटिव बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और वो लोगों को रिप्रेजेंट भी कर सकता है अच्छे से और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये चीज़ इंश्योर करनी थी कि एट द सेम टाइम ये जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हैं ये एग्जीक्यूटिव थोड़े रिस्पॉन्सिबल हों और अकाउंटेबल हों रिस्पॉन्सिबल हो लेजिस्लेचर को लेके और अकाउंटेबल हों यानी कि अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल हों सो इसी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको चाहिए था कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारे यहाँ बनाई जाए है ना एट द सेम टाइम ये जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसमें कोई कल्ट वाला रोल ना रह जाए यानी कि जो पर्सनैलिटी कल्ट होता है ना वैसा सिस्टम ना जाए क्योंकि अगर पर्सनैलिटी कल्ट आया अगर पर्सनैलिटी कल्ट आया तो फिर वो डेमोक्रेसी से दूसरी तरफ चीज़ें ट्रांसफ़र होना शुरू हो सकती हैं इसीलिए इसलिए हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को टोटली totally नो no किया और अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में देर आर मेनी मैकेानिज़म्स जो कि इंश्योर करते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो हैं आंसरेबल रहें और यूजली कंट्रोल करें लेजिस्लेचर यानी कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इन एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करें ठीक है इसको एक दूसरे टर्म में पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी बोला जाता है ठीक है जहां पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इन एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करते हैं अभी एग्जीक्यूटिव्स कौन है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो इन सबको ये सारे एग्जीक्यूटिव इनको कंट्रोल कौन करेगा इनको कंट्रोल करेगा एट द एंड ऑफ द डे लेजिस्लेचर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इसी वजह से हमने बनाया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स दोनों लेवल पे नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी ठीक है हमारे यहाँ नेशनल और स्टेट लेवल पे सिमिलर टाइप की गवर्नमेंट चलती है तो दोनों जगह हमने सिमिलर प्रोसेस अप्लाई किया है ठीक है अभी नेशनल लेवल पे देखो नेशनल लेवल पे एग्जीक्यूटिव कौन हो गए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये और ये सारे हो गए हमारे नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल की बात करें तो प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पे आ जाएगा गवर्नर ठीक है और उसकी जगह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल इस तरह से सिमिलर सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है अब देखिए प्रेसिडेंट इस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट तो होगा लेकिन प्रेसिडेंट कौन होगा एक फॉर्मल हेड होगा जिसके नाम से सारी चीज़ें की जाएंगी है ना इसको और दूसरे तरीके से बोला जाता है नॉमिनल हेड ओके प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड और प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल है वही मेजरली गवर्नमेंट को रन करता है एट द नेशनल लेवल स्टेट लेवल पर भी एग्जीक्यूटिव आपका गवर्नर हो जाएगा और चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके बाकी के मेन गवर्नमेंट रन करते हैं अब पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में बेसिक प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर फॉर्मली इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट सो यहाँ पर जब फॉर्मली टर्म दिया हुआ है यानी कि सारे जो डिसीजन होंगे सारी चीजें होंगी वो प्रेसिडेंट के नाम से होंगी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट का होगा ठीक है बट काम कोई और करेगा काम कौन करेगा काम करेगा प्राइम मिनिस्टर एंड हिस्स काउंसिल देखिये मेजर जो पावर होती है इट लाइज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दैट शुड भी हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर ठीक है ये लोग मेजर डिसीजन लेते हैं फॉर्मल हेड होता है प्रेसिडेंट तो आपको ये बात याद रखनी है जो प्राइम मिनिस्टर होगा ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअल को पांच साल की टर्म के लिए जो है इलेक्ट किया जाता है आपको ये बात याद रखनी है हमने देखिये जब इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे हमने भी पढ़ा था कि द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा यहाँ पे क्या होता है एंड विधान परिषद ऑल्सो यहाँ पे आपको इलेक्शन का प्रोसेस इनडायरेक्ट होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे जो इलेक्शन का प्रोसेस होगा दैट विल बी बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये जो हमारा थर्ड वेरिएंट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का इसको भी हम वो वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए अब देखिए हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है इसके इलेक्शन में वोटर्स कौन होते हैं यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड एम एल एज़ एंड एम पीज़ ऑफ लेजिस्टिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो वो भी कौन से वाले इलेक्टेड और एम पीज़ जो होंगे मैंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो भी कौन से वाले इलेक्टेड ठीक है ये बात याद रखनी है इसका मतलब है एक्सक्लूड कौन हो गया एक्सक्लूड हो गए वो सारे लोग जो कि नॉमिनेटेड हैं तो ये बात आपको याद रखनी है कि हु आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इट इज़ द इलेक्टेड एम एल एज एंड एम पीज ये बात आप याद रख लेंगे क्योंकि यूपीएससी का ये थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है वो यूजली पूछ लिया करते हैं कि हु ऑल आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तो ये बात याद रखनी है देखिए आपके हमारे पार्लियामेंट में कुछ ऐसे भी एम पीज और एम एल एज होते हैं जो कि क्या होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में बारह लोग नॉमिनेटेड होते हैं और लोकसभा में पहले दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग भी नॉमिनेट किए

रिमूवल so, होगा वो होगा इंपीचमेंट के द्वारा इंपीचमेंट के लिए आपको चाहिए होगी स्पेशल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है वो भी हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं दैट इज द टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग एंड द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है ना ये हम अच्छे से लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं आप जाके वो वीडियो देख लीजिए सो so, देखिए ये होगा स्पेशल मेजोरिटी अगर होगी उससे ही आप, दोनों हाउसेस का प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट किया जा सकता है रिमूवल किया जा सकता है और इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या होगा ग्राउंड होगा वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ये होगा ग्राउंड एंड दैट इज हाउ अ प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव अब पढ़ते हैं कुछ पावर्स एंड पोजिशन प्रेसिडेंट के पहले पढ़ते हैं आर्टिकल सेवेंटी तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे होगा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर और वो क्या करेंगे दे विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे उसके फंक्शनिंग में और प्रेसिडेंट को ही विल हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एन एडवाइस ये जो आर्टिकल है ना ये जो क्लॉज है ना वो ही सारा का सारा गेम कर देता है कि प्रेसिडेंट को इनकी एडवाइस क्या करनी है माननी ही है

टू एक्ट इन एडवाइस ऑफ कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन जनरल समझ लो तो फिर उसके बाद बहुत हंगामा हुआ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक लॉज लेकर आए थे फिर दूसरी जो गवर्नमेंट आई मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए उन्होंने फिर क्या कर दिया उन्होंने कहा यार देखो गवर्नमेंट तो आई थी कि ऐसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया ऐसे कैसे कर दिया प्रेसिडेंट की पावर कैसे ले ली पर जब पावर आ जाती है प्रेजेंट गवर्नमेंट के हाथ में तो वो वजॉय करने लगते हैं तो उन्होंने क्लॉज को हटाने की जगह उन्होंने ये नया क्लॉज लेकर आया कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई एडवाइस पसंद नहीं आई तो वो क्या करेगा रिकन्सिड्रेशन के लिए भेज देगा वापस लेकिन रिकन्सिड्रेशन के बाद भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वापस वो एडवाइस प्रेसिडेंट के पास भेज दी तो प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्ट इन द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर द रिकन्डरेशन सो इस तरह का पूरा गेम हुआ नाउ पावर्स की बात करते हैं ठीक है पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल इमरजेंसी बट ये सारे पावर्स कैसे होंगे प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एडवाइस पे काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर ओके नाउ प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल है ये बात आपको याद रखनी है इनकी एडवाइस इनके एडवाइसेस क्यों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये रियल एग्जीक्यूटिव हैं इनको डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट किया है मेजॉरिटी जो है लोकसभा में रखते हैं एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेसिडेंट यूजुअली जो है वो एडवाइसेस मान लेता है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कुछ ऐसी पावर्स हैं जैसे कि जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेंगे या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेंगे वो क्या होगा वो प्रेसिडेंट के पास राइट टू बी इंफॉर्म्ड है यानी कि जो भी डिसीजन से लोग ले रहे हैं जिस भी बात में डेलीब्रेशन कर रहे हैं प्रेसिडेंट के पास हक है कि वो ये सारी बातों को जाने प्रेसिडेंट हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को बोले कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस चीज़ पर काम कर रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर को वो इफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को लिख भी सकता है अपने व्यूज़ भी बता सकता है अगर उसको लगता है कि कंट्री में किसी चीज़ की ज़रूरत है ठीक है और डिस्क्रिशनरी पावर में ये भी आ जाएगा कि प्रेसिडेंट को अगर कोई क्लॉस पसंद नहीं आया कोई एडवाइस uh, पसंद नहीं आई तो वो वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दें बट यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम एडवाइस वापस कर सकता है उसमें चेंजेस भी कर सकता है अगर सेम एडवाइस वापस कर दी तो प्रेसिडेंट को कंपलसरिली यहाँ पर उसकी एडवाइस माननी पड़ेगी इसके बाद प्रेसिडेंट के पास है विटो पावर्स ठीक है विटो पावर्स है जिसमें क्या कर सकता है प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर सकता है रिफ्यूज कर सकता है किसी भी बिल को पास करने के लिए ठीक है बट अब समझ लीजिए देखो एक प्रोसेस होता है पार्लियामेंट का कोई भी बिल पहले दोनों हाउसेस से पास होगा लोकसभा से या फिर राज्यसभा से दोनों हाउसेस में पास होके ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास है ना अब प्रेसिडेंट क्या करेगा प्रेसिडेंट इस चीज को इस बिल को या तो एसेंट दे सकता है अगर एसेंट दे दिया तो ये बिल क्या बन जाएगा लॉ बन जाएगा अगर प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को विथहोल्ड कर लिया है ना तो ये हो जाए हो गए उसकी विटो पावर उसको रख लिया वापस या फिर प्रेसिडेंट क्या कहेगा कि मैं असेंट नहीं दूंगा मैं इसको पास नहीं करूंगा ठीक है ये भी विटो, विटो पावर है प्रेसिडेंट के पास बट नाउ एक केस में नहीं कर सकता वो है मनी बिल का केस मनी बिल का केस प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा मनी बिल का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर मनी बिल हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाने वाला है तो उसको सबसे पहले प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन अगर उस बिल्कुल मिल ही गई है तो लास्ट में प्रेसिडेंट पास करने से क्यों ही रोकेगा ना एक और जो हमने पढ़ा ना विध होल्ड का रोक सकता है ठीक है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है तो क्या प्रेसिडेंट काफी देर तक काफी समय के लिए भी बिल को होल्ड कर सकता है ठीक है तो ये एक तरह की वीटो पावर होगी ऑल देखो अगर प्रेसिडेंट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया वो एनी पास होना ही है लेकिन अगर प्रेसिडेंट अपने पास ही रख लेता है उस बिल को उसको वापस के लिए नहीं भेजता है तो क्या होगा वहाँ पर ये जो पेंडिंग बिल हो जाएगा ना तो ये पावर यूज़ कर सकता है अपनी कि, कि किसी भी चीज़ को पास नहीं होने देना तो इसको पॉकेट विटो भी बोलते हैं है ना पॉकेट में हम अपना सामान किसी चीज़ को पेंडिंग रखते हैं ना वैसे ही प्रेसिडेंट अपने पॉकेट में ये जो बिल है वो रख लेता है अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए और मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअल में प्रैक्टिस भी हुआ है ज्ञानी जेल सिंह थे जो प्रेसिडेंट थे 1982 से 1987 तक उन्होंने पॉकेट विटो यूज़ किया था जो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था उसको लॉ बनने से रोका था ना और डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती हैं अग, अगर कोई इलेक्शन के बाद कोई एक क्लियर कट लीडर ना समझ में आए मेजॉरिटी नहीं आए लोकसभा में सो so, या फिर ऐसा कुछ हो कि अलायसेज वाला सिस्टम चल रहा हो कोलिजन का सिस्टम चल रहा हो दो तीन लीडर्स बोल रहे हो कि हाँ हमारे पास मेजोरिटी का सपोर्ट है तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकता है अपना जजमेंट यूज़ कर सकता है अपने हिसाब से सोच सकता है कि किसके पास एक्चुअल मेजोरिटी होगी और uh, कौन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है और गवर्नमेंट रन कर सकता है बट अगर हम पोजिशन की बात करें तो फॉर मोर एंड मोस्ट ऑफ़ द पार्ट ये एक सिर्फ फॉर्मल हेड है और इसके पास जो पावर है वो बेसिकली सैरेमोनल हेड की है पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं मेजॉरिटी सपोर्ट के लिए लेजिस्लेचर के लिए इसका मतलब ये भी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कभी भी रिमूव किए जा सकते हैं और नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस जगह पे आ सकते हैं इस सिचुएशन में क्या होगा हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट की जो पोजिशन है वो खाली हो जाएगी है ना यानी कि कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा इसीलिए जो हमारी जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है उसको फिक्स टर्म बनाया गया है और उसको ये पावर दिए गए हैं कि ही कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर है ना और एक सिंबल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करे सिंबॉलिक हेड हो हमारे देश का है ना तो यही बेसिकली ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में प्रेसिडेंट का रोल होता है नौगाइज हम समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये भी पाँच साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं इनकी जो मैथड ऑफ इलेक्शन होती है सिमिलर होती है प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि स्टेट लेजिस्लेटर्स के जो मेम्बर्स होते हैं वो इनके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते इनके रिमूवल की बात करें वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए आपको जो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा वो भी राज्यसभा में अगर मेजोरिटी से पास हो जाता है और लोकसभा इसको अग्री कर देती है फिर उसके बाद तो ये क्या है रिमूव हो सकते हैं अब राज्यसभा का इतना बड़ा रोल क्यों क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है लोकसभा का चेयरमैन होगा स्पीकर जो कि लोकसभा से इलेक्ट किया जाता है लेकिन अगर हम वाइस वाइस प्रेसिडेंट की बात अगर हम राज्यसभा के चेयरमैन की बात करें तो वो होते हैं यूजुअली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इसके अलावा इनका काम क्या होगा जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं होंगे या फिर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होगा तो प्रेसिडेंट का ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं देखो वैकेंसी किसी भी वजह से हो सकती है डेथ की वजह से हो सकती है रेजिग्नेशन की वजह से हो सकती है रिमूवल की वजह से हो सकती है है ना जो कि इंपीचमेंट का प्रोसेस हमने समझा तो इस वक्त पे वैकेंसी ये फुलफिल करते हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोजिशन पर तब तक ही रहेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट नहीं हो जाते सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ये हो गया हमारा वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हमने आज काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी नेक्स्ट चैप्टर में हम मेजर जो रोल प्ले करते हैं हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स समझेंगे तब तक के लिए बनी रहिए इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स ऑल्सो डाउनलोड प्रिंट यू पी एस सी एप टू प्रैक्टिस बुक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज रिमेंबर कैंडिडेट्स जस्ट रीडिंग बुक्स और वॉचिंग वीडियोज वोट हेल्प एंड लेस यू प्रैक्टिस थरली आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड वॉक टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड स्प्रिंट यू पी एस इ परफेक्ट एप टू डू ऑल ऑफ दिस अगर आप कोई वीडियो पसंद आ तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यू पी एस की ऐप यहाँ पर आपको अपनी बुक्स चैप्टर और टॉपिक वाइज आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए सिर्फ बुक्स पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे सो अपनी मिस्टेक्स को जानी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और Sprint UPSC is a perfect app. Hai. So, this is it for this session. Thank you so much. I'll see you in the next video.